वेलकम फ्रेंड्स। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसी दिक्कत है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है कि देखिए यहाँ नेम लिखा हुआ है और ये इसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना तो हिंदी में मैंने बताया ही है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, गूगल शीट में कैसे करते हैं इसे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक फ्रेंड है, इनको ये कन्वर्ट करना है उर्दू में। उर्दू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ गूगल ट्रांसलेट पहले फॉर्मूला लगा लीजिए। ये गूगल ट्रांसलेट नीचे आ रहा है, आप इसे लगा लें, फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इसको सिलेक्शन में लीजिए। सिलेक्शन में लेने के बाद आपको कॉमा देना है। ये दिया किस में हुआ है? इंग्लिश में दिया हुआ है, तो यहाँ टाइप कर देता हूँ ई एम कॉमा। कन्वर्ट किस में करना है? उर्दू में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ टाइप कर देता हूँ यू आर। बस ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अब आपको क्या प्रेस करना है? एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये उर्दू में कन्वर्ट हो गया। देखिए ना, उर्दू में लिख के आ गया है। तो आप उर्दू में कन्वर्ट करना हो इस तरीके से, तो आप उर्दू में भी बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा और इसको जूम कर देता हूँ, आपको और भी बेहतर तरीके से ये दिखाई पड़ेगा, डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए, ये उर्दू में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।